भगवान बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ऐश्वर्या राय का घर टूटने वाला है, इनका तलाक होने वाला है। इनकी जिंदगी में श्वेता बच्चन और जया बच्चन ने पूरी तरह से बैंड बनाकर रखी हुई है। अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते टूटने वाले हैं, तलाक की कगार पर पहुंच चुका है। इसी तमाम बातें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर चल रही है। और इसी बीच बाबा बागेश्वर के धाम में अर्जी लगाने पहुंच गई हैं ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ। इस तरह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और कहते हैं ना कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ तोड़ जोड़ किया गया होता है। और वही एक वीडियो जो है वायरल हो रही है, बाबा बागेश्वर धाम है, उसमें ऐश्वर्या और आराध्या नजर आ रही हैं। जो कहा जा रहा है कि अपनी जिंदगी जो ट्रैक पर लाने के लिए, अपनी पारिवारिक जिंदगी को सही तरीके से ट्रैक पर लाने के लिए ऐश्वर्या जो है बाबा बागेश्वर के धाम अर्जी लगाने पहुंची है। और बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उनको कुछ बातें बता रहे हैं और ऐश्वर्या बड़े ध्यान से सुन रही है, ऐसी सारी बातें कही जा रही है। लेकिन ध्यान से आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो पूरी तरह से एडिटेड है। लेकिन इस तरह से इतने क्रिएटिव अंदाज में उसे तोड़ जोड़ कर बनाया गया है कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि दोनों ही वीडियो अलग अलग जगह की है, अलग अलग मौके की है। लेकिन ये जरूर पता लगा सकते हैं कि आराध्या जो है उसमें वो जो उम्र है आराध्या की वो लग नहीं रही है, आराध्या छोटी बच्ची उसमें लग रही है, यानी वो 5-6 साल पुरानी वीडियो है और वो किसी फंक्शन की होगी या ऐसे ही किसी प्रोग्राम की होगी, लेकिन बागेश्वर धाम की तो बिल्कुल भी नहीं है। और उस लिहाज से ये वीडियो पूरी तरह से फ्लॉप है। लेकिन जिस चैनल पर ये अपलोड किया गया है उसे 50 लाख व्यूज मिल चुके हैं, और शेयरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब फेक खबरें, गलत वीडियो इस तरह से वायरल होते हैं बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर। मतलब आप समझ लीजिए कि 50 लाख व्यूज गए हैं तो उस बंदे की लाखों में तो कमाई हो ही गई, उसको तो फायदा मिल गया। अब इसमें ऐश्वर्या राय का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बागेश्वर धाम बाबा का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ तो उस यूट्यूबर का जिसने व्यूज से बहुत सारे पैसे कमा लिए। तो कहा यही जाता है कि जो चीजें अक्सर सोशल मीडिया पर दिखती हैं वो सच नहीं होती हैं, इसलिए अपने आंख नाक कान सब कुछ खुले रखिए, जहां से भी ज्ञान मिले ले लीजिए, लेकिन मंद बुद्धि बनकर बने ना रहिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वीडियोस देखने के बाद भी, आप उसमें बातें क्या कर रहे हैं वो देखने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये बंदा बोल क्या रहा है, उनको समझ में नहीं आता है। और यही वजह है कि इस देश में आम जनता को नेता लोग बेवकूफ बनाते हैं, कभी चिकन मटन खिलाकर, कभी मुर्गा खिलाकर, कभी शराब परोसकर, तो कभी कुछ पैसे देकर इलेक्शन की एक रात पहले पूरा का पूरा माहौल ही पलट देते हैं नेता। और यही वजह है कि गलत आदमी जीत जाता है, जब गलत आदमी जीत जाता है तो गलत काम करेगा। और वो जो जनता एक रात पहले मुर्गे रोटी और चिकन पर टूट पड़ती है, शराब पर टूट पड़ती है, वो बाद में जब होश में आती है तो उसे पता चलता है कि उसने कर क्या दिया है। इलेक्शन के पहले तो पैर पड़ रहा था, अब तो लात मारकर भगा रहा है ये नेता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए अपनी आंख खुली रखिए, अपने कान खुले रखिए, सच को पहचानना सीखिए।